उन मुसलमानों ने बहुत सब्र से काम लिया। और अगर आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है तो मैं इस सारी क्रेडिट मुसलमानों को देना चाहता हूँ। बार बार हमको चैलेंज मत करो, लेकिन आप मंदिर में नहीं जा करके मस्जिद के बाहर आ करके वहाँ माइक पर डबल आवाज से वहाँ रोकोगे तो याद रखना एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक पार्टी जो है लाउड स्पीकर का मुद्दा लेके खड़ी हुई है, पहले झंडे के रंग में हरा झंडा भी था, सब कुछ था, जब दुकान नहीं चली, बंद हो गई, मराठी हिंदू चलाए, मराठी और परप्रांती चलाए, मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि देश में कानून नाम की चीज़ कोई है कि नहीं है। आज देश का माहौल बहुत ख़राब है। अभी मैं कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्ट सब अच्छे नहीं रह गए, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, कुछ अच्छे इस देश के इकोनॉमिस्ट जो जानते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, मैं वो वीडियो देख रहा था, पेपर में पढ़ रहा था कि हमारा देश भी श्रीलंका की तरह जा रहा है। श्रीलंका में जो बर्बादी हुई है, पूरा श्रीलंका का पूरा ढांचा ढह गया है। बाजू हो तू ना, तो ये हालत अपने देश की भी लोग प्रिंट करेंगे ऐसी हो सकती है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि जो भारत का सोने की चिड़िया था आज किन लोगों के हाथों में आ गया है, कि देश आज जो है डेवलपमेंट की लिस्ट से भी बाहर निकल गया और बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अराजकता है, और लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं। भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए और देश को बचाने के लिए एक होकर के देश की जो स्थिति बनती जा रही है उसे रोकना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि जो जेनोसाइड के जो कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि भारतवर्ष 7-8 कदम आगे जा चुका है, जो पॉइंट है 7-8 पॉइंट पार कर चुका है और कुछ थोड़े बाकी है जेनोसाइड भारतवर्ष में होने के लिए। और उनका कहना है कि मेरा तजर्बा है, पहले भी उन्होंने जहाँ जहाँ प्रेडिक्ट किया था उन जगह पे जेनोसाइड हुआ, यानी नरसंहार। और इस पर बहुत सीरियस सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। और ये प्रूफ हो गया आपकी बार, मुसलमानों ने बहुत सब्र से काम लिया। और अगर आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है तो मैं इस सारी क्रेडिट मुसलमानों को देना चाहता हूँ। उनकी मस्जिदों के सामने क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, किस किस तरह के बयान दिए गए, लेकिन मुसलमानों ने कानून को पालन करते हुए जो जो कानून में था, मस्जिदों में कैसे लाउड स्पीकर चले कैसे नहीं चले, उन सबको पालन किया। आज महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में आज जो है यहाँ पर जो है इस तरह के इश्यूज ला करके दंगा करवाना चाहते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है महंगाई का है, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जो है आमदनी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी हमारा गिरता जा रहा है, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, सरकारी नौकरियां जहां मिलती तो सारी की सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब बिकती जा रही है। मैं उन लोगों को होशियार करना चाहता हूँ जिनका रिजर्वेशन है, वो समझ लें इस बात को कि वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर खुश ना हो, मुस्लिम हिंदू के टकराव से वो खुश ना हो, वो समझ लें कि एयर इंडिया में 1% मुसलमान काम करता है और 99% मेरे गैर मुस्लिम भाई काम करते हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों का है। 99% जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियाँ आप जाएंगी, जो कॉलोनी से एयर इंडिया की खाली करा के बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, अब वहाँ पर नौकरी कंट्रैक्ट मिलेगी, तनख्वाह कम हो जाएगी, 12 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, और लोग सोए हुए हैं। रेलवे भी करा है, रेलवे में जो नई नौकरी निकलेगी वो जो है उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, प्राइवेट नौकरियां होंगी। इसी तरह से सारी कंपनियां फैक्ट्रियां बिकती जा रही हैं और जो है लोग सोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग जागें और जो इनडायरेक्ट में दूसरे रास्ते से रिजर्वेशन ख़त्म करने की कोशिश हो रही है उस पर देश के लोगों को तैयार होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक पार्टी जो है लाउड स्पीकर का मुद्दा लेके खड़ी हुई है,
पहले झंडे झंडे के रंग में हरा झंडा भी था, सब कुछ था। जब दुकान नहीं चली, बंद हो गई, मराठी हिंदू चलाए, मराठी और परप्रांती चलाए। मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि देश में कानून नाम की चीज़ कोई है कि नहीं है। अगर आज इस देश के कई राज्यों से ऐसे लोगों के खिलाफ समन निकला जिन्होंने उत्तर भारतीयों को मारा, उनकी हत्याएं की, उनके साथ लूटपाट किया, आज तक एक दिन की जेल नहीं। अगर एक कॉमन आदमी कोई छोटी सी बात बोलता है तो पुलिस डाक डंडे मार के जेल भेज देती है, लेकिन एक आदमी खुलेआम चैलेंज कर रहा है, कुछ नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। सिर्फ ये नहीं कि हम वीडियो निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ किसने क्या बोला, सबको मालूम क्या बोला, सब पता है अच्छी तरह से, उस पर सब कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो लोगों को कानून से भी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, और लोग जो है जब कानून से विश्वास उड़ जाएगा तो फिर अराजकता बढ़ जाएगी, तो फिर देश के हालात और ख़राब हो सकते हैं। कि सब लोग मिल कर रहो, पड़ोसी का ख्याल करो, और मुसलमानों से कहूँगा कि तुम्हारे एरिए में अगर मुस्लिम हिंदू भाई रहता है और उसको रात को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम कहना तमाम हिंदू भाई साइड में रहो, हम मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे मज़हब ने सिखाया है कि पड़ोसी के साथ कुछ भी हो तो तुम बल्कि उसकी मदद करो। कि बार बार हमको चैलेंज मत करो, हम इस देश के कानून को मानते हैं, लेकिन आप जितना भी आपको ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ना है खूब पढ़ो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, हम शरबत भेजेंगे, हम जूस भेजेंगे, हम बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमने 92 में भी यही कहा था शरद पवार साहब से जा करके कि जब उस वक्त महाआरती हो रही थी कि मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना बंद नहीं करोगे, लाउडस्पीकर बंद नहीं करोगे तो महाआरती होगी। महाआरती में कोई मंदिर में जाता नहीं था, सड़क पर रुके करते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर में खूब पूजा कीजिए, हम सब आपके बहुत प्रशंसक बनेंगे। जो लोग धर्म पे चलते हैं अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आप मंदिर में नहीं जा करके मस्जिद के बाहर आ करके वहाँ माइक पर डबल आवाज़ से वहाँ रोकोगे तो याद रखना एक्शन का रिएक्शन हो सकता है।